ग्राम पंचायत तिलगा में आशा राठिया नाम की एक लड़की रहती है, जिनके ऊपर अपने चार भाई बहनों का बोझ है और उनका भरण पोषण करने का पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। आशा राठिया दसवीं पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है और झाड़ू बनाकर बेचती है और भरण पोषण एवं पढ़ाई लिखाई करवाती है। माता पिता का देहांत 2013 में हो गया है, लेकिन उनको किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड नहीं है, स्मार्ट कार्ड कुछ नहीं है, माटी तेल घर में दे है। तो सरपंच सचिव कर गए है? हाँ गए है, एक महीना के ये डेट अभी तक नहीं बना दी। कार की तरफ से इंदिरा निवास भी बना थे, वही मिले। हमारे भाई बहन भी पढ़ाते थे, स्कूलों की सुविधा भी मिले। कते कते पढ़ाते हैं? एक जगह आठवीं पढ़ाते थे, एक जगह चौथी, एक जगह दूसरी, एक जगह नौवीं। हमारे चाचा के लड़का मन के ओकर माता पिता गुजर गिन लेने दिक्कत तो होबे करे जी, पढ़ाई लिखाई में शासन ले कुछ छूट मिले तो अभी पूरा सब जितना लड़का है सबके देख रेख तुम्हन करत है? हाँ मैं च करत हूँ। तो तुम्हन का बूता करत है? अब खेती बाड़ी होती करत हन जी। तो अभी तुम्हारे परिवार के संख्या कतेक होगी, जैसे तुम्हारे चाचा के संग आगे? हर परिवार अभी 9 जन हो जात हन हमन। हाँ कमाने वाला बस मैं चेक अकेला हूँ। तो तुम्हें लगा लगा थे वो मतलब किस प्रकार की योजना मिलना चाहिए? चर्चाएँ रहीस की कुछ माने उमन के माँ बाप के नाम रहीस, तो बीच में मतलब कटवा के नाम भी चेघाना रहीस, तो ओकर विशेष से भी कुछ रुके रहीस। और अभी वर्तमान में तत्काल मिला थे कि नहीं मिला थे थोड़े जानकारी नहीं है मतलब भी, लेकिन बाकी सचिव मन भी बोला थोड़ी जानकारी दे पाई। इस संदर्भ में जो आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, हमारा जो शासन का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है RBS के, उसके अंतर्गत उनको चिन्हांकित किया जाएगा। तत्काल उनके RBS की टीम रहती है हर ब्लॉक में, तत्काल वो टीम भेजी जाएगी, उनको चिन्हांकित करेगी और आगे भी जो मेडिकल चेकअप होगा और जो भी उनको जो मदद करनी है उनको शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर और जिला पंचायत में उसमें करते हैं। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है कि वर्तमान CO श्री नीलेश कुमार को 9479042220 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इन आदिवासी बच्चों को, अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।